राम राम सभी किसान भाइयों को। फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोरवा मेले में आज पहुंचे हैं, जहां पे कुश्ती आदि अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं। वहीं पे एक प्रोग्राम है जहां पे ऊँटों का प्रदर्शन किया जाएगा, तो देखते हैं किस प्रकार। अच्छा, जो इनाम राशि भी दी जाएगी, जो पहला जो स्थान प्राप्त करेगा। पूरी जानकारी आप किसान भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जो ऊँटों का डांस है वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर बाद भी इसको खाट के ऊपर भी नचाया जाएगा। हाँ, फोर केम चला रहे हो? फोर केम एडिटिंग हो जाए। हाँ, अभी आप देख सकते हैं चारपाई के ऊपर जो है चढ़ाया जा रहा है ऊंट को। एक, दो, तीन, वीडियो के बाद में लोगों की जो भीड़ है खचाखच, चारपाई के ऊपर बैठ चुका है। फिर से एक बार दोबारा चारपाई के ऊपर चढ़ाया जाएगा। अपना जो फिर से एक बार स्टार्टअप लेते हैं। टैलेंट जो है ऊंट कैमल का आप देख सकते हैं। राजस्थानी जहाज जिसको बोला जाता है, अपने अलग अलग करतब दिखाते हुए। लोकल के जो यहाँ पे किसान हैं वो यहाँ पे लेके आते हैं हर साल। ये मोरवा में, मोरवा अगर बात करें तो राजस्थान के पिलानी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के पिलानी क्षेत्र के नज़दीक के गांव में मोरवा गांव है, जहाँ पे ये हनुमान जी का मंदिर है। तो हनुमान जयंती पर यह प्रोग्राम होता है। काफ़ी कुछ खेल प्रोग्राम भी देखने को मिलते हैं वहीं पर। जो ऊँटों का डांस है वो भी देखने को मिलता है। घोड़ियों की जो प्रतिभाएं हैं, जो दौड़ होती हैं घोड़ियों की, ऊँटों की, वो भी यहाँ पे होती है अलग अलग प्रकार से। तो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। देखते हैं कौन सा स्थान ये यहाँ पे प्राप्त कर पाते हैं अपने मेले में। देख सकते हैं ये छलांग लगाते हुए। ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता था लोगों को, लेकिन काबू किया जल्दी ही। देख सकते अलग अलग जो करतब हैं अपने जो ऊंट की वो दिखा रहे हैं। बेटा आप साइड हो जाओ, उनको साइड करो ना, छोटे बच्चों को। हाँ,
क्या नाम है भाई साहब इनका? सुल्तान नाम है भाई साहब इनका, देख सकते हैं। बिल्कुल अलग अलग जो प्रतिभाएं हैं ऊंट की वो सामने लेके आ रहे हैं लोगों के। पूरी जानकारी लास्ट तक वीडियो में बने रहे हैं, आप किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं सुल्तान, सुल्तान पे मुल्तान। बिल्कुल कहीं ना कहीं ट्रेंड किया जाता है इनको घर पे ही या फिर और कहीं पे, वो भी जानकारी आप हम जो मालिक हैं उनसे मिलकर पूछेंगे कि किस प्रकार इनको ट्रेंड करते हैं। कहीं ना कहीं जो ट्रेंड किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं पशु परेशान तो नहीं होता जब ट्रेंड किया जाता है इनको, तो वो भी जानकारी आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर दादरी मेले की बात करें 39वां जो राज्य स्तरीय पशु मेला था उसमें भी इस ऊंट ने कहीं ना कहीं वहाँ पे भाग लिया था भाई साहब जो बता रहे थे, तो पूरी डिटेल हम लास्ट में जानेंगे क्या कुछ स्थान वहाँ पे हासिल किया था, कौन से स्थान तक दादरी पशु मेले में इन्होंने हिस्सा लिया था और कहाँ तक पहुँचे थे। तो अभी दूसरा कैमरा आ चुका है, देखते हैं क्या कुछ अपनी प्रतिभाएं निभाता है यहाँ पे। ये शायद मेरे ख्याल से उस ऊंट से छोटा है ये ऊंट। अगर श्रृंगार की बात करें तो उस ऊंट से इस ऊंट का श्रृंगार काफी कुछ अच्छा दिख रहा है। क्या नाम है भाई साहब ऊंट का? ये लगता कहीं ना कहीं सिख दड़ा है। और इस बार जो ऊँटों की संख्या है वो कमी आई है, दो ही ऊँट मेले में आए हैं, दो ऊँटों ने मेले में हिस्सा लिया। उम्र में राजू उस ऊंट से कहीं ना कहीं छोटा नजर आ रहा है और ट्रेनिंग में भी काफी कुछ अभी सुधार होना बाकी है। ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस काफी कुछ कम लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे भाई साहब इसके बारे में? ये देखिए अभी युवा है तो इसको सिखलाई दी जा रही है, तो आने वाले समय में ये और भी अच्छा कर पाएगा इस प्रकार की इवेंट। जैसे इनको तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग जब इनकी की जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये थोड़े दुखी तो होते होंगे भाई साहब? हाँ देखिए जब सिखलाई देते हैं तो शुरुआत में जरूर थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आती है इनको, लेकिन बाद में समझने लग जाते हैं, पशु बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, लेकिन उसके बाद ये समझने लग जाते हैं, तो इसी सारों पे ये फिर बिल्कुल ये देखिए जो मारवाड़ी गोडी